देखती हूँ कि आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको घर से बाहर भेजते हैं, अपने माता पिता को हमेशा अपने मन में रखिए। दूसरी चीज आप बच्चों से जो कहना चाहती हूँ, आजकल क्या है, पहले तो घर में बहुत सारे बच्चे होते थे, संयुक्त परिवार होता था, चलते ही कोई सिर में थप्पड़ मार देता था, बच्चों को बुरा नहीं लगता था, टीचर्स की मार खाते रहते थे, हंसते रहते थे। आजकल एक दो बच्चे होते हैं घर में, बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, आप लोगों को जब आपके माता पिता टोकते हैं, आपके टीचर्स टोकते हैं, आपको बुरा लगता है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपकी चिंता करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगी। एक गाय जंगल में चल रही थी, अचानक उसने देखा एक बाघ पीछे दौड़ा, गाय भी भागी जान बचाने के लिए, सामने दलदल था, वो दलदल में थोड़ा चली, वो दलदल में फंस गई, बाघ भी पीछा करता हुआ आया, वो भी दलदल में फंस गया, लेकिन गाय से थोड़ी दूरी पर था, चल नहीं पाया, तो गाय हंसी और उसने बाघ से कहा, बाघ तू तो गया, तू मरेगा। तो बाघ ने कहा, तुम क्या हंस रही हो, तुम भी तो मरोगी दलदल में। उसने कहा, मैं नहीं मरूंगी, देखना। शाम को जब मालिक ने देखा गाय नहीं आई, वो दो चार लोगों को लेकर आया, जब देखा गाय दलदल में फंसी हुई है, वो रस्से लाया, लकड़ी लाया और गाय को निकाल कर बाहर किया, तो गाय ने बाघ को कहा, बाघ तुझे कोई नहीं निकालेगा, मैंने कहा था ना, जिसको संभालने वाले होते हैं वो दलदल में फंसकर नहीं मरता। आपके जो टीचर्स हैं, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको संभालने वाले हैं, अगर आप उनकी बात मानेंगे, आप डांट के पीछे छुपी हुई उनकी चिंता को आप समझेंगे, तो आप बुराइयों के और गलतियों के दलदल में कभी नहीं फंसेंगे। इसलिए अपने माता पिता को, विशेषकर अपनी माँ का चेहरा अपने दिमाग में रखिए, अपने दिल में रखिए, कि वो आपके ऊपर कितना विश्वास करते हैं, वो आपकी कितनी चिंता करते हैं, घर पे आपका इंतजार करते हैं, आपके लिए हमेशा वो दुआएं करते हैं। आपके माता पिता जब मंदिर में जाते हैं खुद के लिए कुछ नहीं मांगते, जब वो बचत करते हैं उस पैसे से खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते, वो पैसा आप लोगों पर खर्च करते हैं। उनकी इस चिंता को समझिए, अपने टीचर्स की चिंता को समझिए। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग, आपकी बुद्धि तीव्र हो, आपका मन बहुत